बाजार में अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जिस तरीके से हर फेस्टिवल में करता है कुछ खास, तो हमारा आने वाला दीपो भरा उत्सव जिसे कहते हैं दीपावली, तो दीपावली में भी धमाल कर रहा है हंगामा टाइम्स। लखनऊ की खास शख्सियतों से खास बातचीत कर रहा है कि इस फेस्टिवल पर क्या विशेष कर रहे हैं और लखनऊ को किस तरह से खुशियों से भर रहे हैं, क्योंकि अपनों के संग तो बहुत से लोग मनाते हैं दीपावली, लेकिन अपनों से जो दूर हैं उनके साथ लोग, कुछ लोग जो लखनऊ के हैं, किस तरह से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी खास कड़ी में हमारे साथ में वरिष्ठ समाज सेविका छाया सक्सेना जी हैं, जिन्होंने कई क्षेत्रों में कार्य किया है, चाहे महिलाओं को आगे बढ़ाना हो, चाहे बेटियों को पढ़ाना हो, चाहे बेटियों को आत्म जो निर्भर बनाना हो। तो हमारे साथ में छाया सक्सेना जी जुड़ रही हैं, तो उनसे हम बात करेंगे इस दीपावली को क्या वो विशेष कर रही हैं और दूसरों के जीवन में किस तरह से खुशियां बिखेर रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका छाया जी। नमस्कार, थैंक यू। तो क्या कहना चाहेंगी इस दीपावली विशेष पे और क्या तैयारी है आपकी दीपावली को लेकर? अभी तो हम लोगों ने सोचा है कि थोड़ा सा जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो लोग अपनी तरफ से इतना नहीं कर पाते हैं, त्यौहार नहीं मना पाते हैं, तो हमने अभी उन लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्प करने का उनको सोचा है। यानी कि जरूरतमंदों की जरूरत तक पहुंचने के लिए आपने सोचा है कि किस तरह से जिनको जिनको जो जो जरूरत हो, चाहे कपड़े की हो, चाहे उनको दीपावली सेलिब्रेट करने की जरूरत हो, उन तक पहुंचने के लिए आपने सोचा है। तो मैम ये बताइए, समाज सेवा में कब से हैं आप? मैं काफी सालों से हूँ, बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर रही हूँ और स्कूल में प्रिंसिपल भी रही हूँ। तो उसके बाद अब थ्रू जब से कोरोना स्टार्ट हुआ तब से मैं घर ही में हूँ, लेकिन हाँ उससे पहले से मैं करीब 10 साल से समाज सेवा करती आ रही हूँ। पहले भी बरेली में जब हम लोग थे तो मैं मानव सेवा क्लब से जुड़ी हुई थी, मैं और मेरे पति दोनों लोग हम लोग उसमें हेल्प करते थे, जैसे विकलांग बच्चों के लिए व्हीलचेयर्स बांटनी है या गरीब लड़कियों की शादी करानी है, तो उस तरह के कार्य हम करते आ रहे हैं। और सामूहिक विवाह अरेंज कराना होता है या उसमें भी हम लोग हमेशा अपनी तरफ से हमसे जितना हो पाता है उतना हम करते हैं। और आजकल मैं एक फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ जो कि हमारा अपना ही है, हमारी एक मतलब हम सब सखियों ने मिलके स्टार्ट किया है, तो उसका नाम है शिव कृति फाउंडेशन। तो उसमें हम जो गरीब लड़कियाँ हैं तो उनको हम आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर किसी को कुकिंग अच्छी आती है तो हम उसको सिखाने की कोशिश करते हैं कि बाय प्रोफेशन अगर वो कुक बनना चाहें या अपने घर से कुछ काम करना चाहें तो वो हम उनको सिखाते हैं। कुछ गरीब बच्चियां हैं जिनको हम सिलाई कढ़ाई का काम सिखाते हैं, तो अभी हमें जितने भी आप देखेंगे जो बड़े बड़े मॉल्स हैं वहाँ पे जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं वो हमसे बैग्स का ऑर्डर लेते हैं, जो आप जो कैरी बैग्स होते हैं, तो वो सिलाई का काम जो है वो हमारे इसकी एनजीओ की लड़कियाँ करती हैं और हमें बल्क में भी कभी कभी ऑर्डर्स मिल जाते हैं। तो अभी काफ़ी स्टार्ट हो चुका है हमारा काम और करीब ये हम 7-8 साल से कर रहे हैं। तो जैसे हमने स्टार्ट किया था तब हमने खाली उनको पोटली बैग्स बनाना सिखाया था, लेकिन अभी तो काफ़ी वो लोग करने लगे हैं और अभी हम टेलरिंग की जैसे और उनको शिक्षा दे रहे हैं कि छोटी मोटी घर में जैसे काम करके वो लोग साड़ी में फॉल लगाना है या इस तरह से, मतलब जैसे भी हो हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं कि उनके अंदर जो भी हुनर है उसको हम निखारें, उसको पहले पहचानें फिर निखारें और उस तरह से उनका कमाई का एक जरिया बन सके ताकि वो किसी पर भी डिपेंडेंट ना हो अपनी लाइफ में। अच्छी बात बताई आपने। तो मैम ये बताइए, आपने तो लड़कियों के लिए काफी कार्य किया है, हाल ही में हमने सुना कि आप वृद्धाश्रम भी गई हुई थी, तो उसके बारे में बताइए। हाँ जी, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम वृद्धा आश्रम जाएं और वहाँ पर हम कुछ इतने सारे जो वृद्ध लोग थे उनको हम कपड़े लेकर गए थे उनके लिए कि हम उनको पैंट शर्ट्स वगैरह देंगे, साड़ीज़ हैं, सूट्स हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी जो मैंने हालत देखी और जो देखा तो मुझे लगा कि शायद उनको जैसे डेली वेयर के जो कपड़े होते हैं गाउन वगैरह या उसकी उनको वो लोग पूछ रहे थे कि वो ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि इतनी वृद्ध महिलाएं हैं जो नहीं उठ पा रही हैं बिस्तर से। तो हमने सोचा कि अगली बार जैसे हम लोग जब लगाएंगे तो हम उनको ज़्यादा वो कपड़े देंगे जो वो कंफर्टेबली पहन पाएं। तो
अभी वृद्धा आश्रम के लिए हमने जैसे एक बार हम लोग लेकर गए थे तो थोड़े से फल लेकर गए थे, या कभी हम लोग उनके लिए कुछ स्नैक्स, अगर हम समोसे भी लेके जाते हैं तो उन लोगों को वहाँ पर इतना अलाउड नहीं है कि वो बहुत डीप फ्राइड या वो खाएं, क्योंकि ड्यू टू एज, लेकिन मन तो करता ही है उनका भी। तो हम लोग उनके लिए समोसे लेकर गए थे तो उन लोगों ने बहुत ही उसको रिलिश किया था एंड बहुत इन्जॉय किया था। चलिए मैम, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि आपने लड़कियों के लिए भी कार्य किया है, ऐसी गरीब बच्चियों की शादी कराने के लिए भी आपने जो है जिम्मेदारी ली है सामूहिक विवाह के रूप में, वृद्धों के लिए भी आप कार्य कर रही हैं, तो समाज का और कौन सा क्षेत्र जिसमें भी आप कार्य करने के लिए आपने इच्छा? अभी शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि मैं हमेशा उसी से जुड़ी रही हूँ, तो मेरा ये मानना है कि अगर हम सब बच्चों को से छोटेपन से ही उनको अगर शिक्षित करने की कोशिश करें, क्योंकि जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनका मन उस तरफ लगता नहीं है पढ़ाई में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं और कुछ हुनर सीख चुके होते हैं, इन्वॉल्व ऑलरेडी हो चुके होते हैं, या वो चाहते हैं कि अब उनको अर्निंग हो। लेकिन उससे पहले अगर वो शिक्षित होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। तो अभी हम ये मान रहे हैं कि गरीबों को जैसे हमने स्टार्ट किया है कि जो लड़कियाँ थीं उनको दिक्कत हो रही थी कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाती हैं, और मैं चूँकि देहरादून से हूँ और कॉन्वेंट एजुकेटेड मेरी मतलब बैकग्राउंड मेरा रहा है कॉन्वेंट का, तो मैंने उनको इंग्लिश सिखाने के लिए क्लासेस लेनी शुरू की थी। तो जिसमें जैसे उनको कोई भी आगे एग्ज़ाम देना है, जैसे ITI वाला या जो भी GTI का वो लोग जो हैं, तो उसके लिए हम उनको हेल्प करते हैं कि मतलब एटलीस्ट जो हमें आता है उस क्षेत्र में वो लोग लैक ना करें कहीं से। तो मैम, आगे की ओर बढ़ने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरी मदर भी टीचर थी और मेरे पापा भी गरीब बच्चों को पढ़ाते थे, तो बचपन से ही लगता था कि जैसे पापा फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को पढ़ाते थे, घर में बुलाते थे जो जैसे सब्जी वाले होते थे या इस तरह के जो मतलब जो लोग पे नहीं कर सकते थे ट्यूशंस के लिए, तो उनको बुलाकर पढ़ाते थे। तो शादी के बाद मेरे पति ने भी मुझे उतना ही सपोर्ट किया, जिस वजह से मैं आगे बढ़ पाई और इन लोगों के लिए कुछ कर पाई, या भगवान का शुक्र है कि हम इन लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। यानी कि शादी के बाद आपके पति आपके बैकबोन का काम कर रहे हैं जिससे आप आगे से आगे समाज में बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इस फेस्टिवल सभी देशवासियों क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगी और किस तरह से इस जो है पर्व को सभी लोग मिलजुल कर मनाएं? मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि हम ये पर्व मिलजुल कर मनाएं, और हम अपने घर में तो मनाते ही हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, लेकिन इस बार हमने सोचा है कि जो गरीब लोग हैं या जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए हमने पैकेट्स तैयार किए हैं, तो उसमें हमने खीले बताशे खिलौने और कैंडल्स डाली हैं, और वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन लोगों को, हम दे के आएंगे, उन लोगों के साथ हम दिवाली मनाएंगे। और इस बार ये हमारा नया घर है तो आप देख रहे होंगे कि हमने अच्छा डेकोरेट है मैम, डेकोरेशन किया है, तो अभी हमारी पहली दिवाली है इस घर में, तो हम बस यही शुभकामनाएं देते हैं सबको कि सब लोग अपने अपने घर में बहुत खुशी खुशी पूरा देश दिवाली मनाए, और जोर से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, एकता की सूत्र में बन करके जो है इस दीपावली को अच्छे से सेलिब्रेट करें और करें कुछ अनोखा। जिस तरीके से हंगामा टाइम धमाल मचा रहा, तो आप लोग भी धमाल मचाइए। तो हमारे साथ में मैम के हस्बैंड जिनका नाम राजीव सक्सेना जी हैं, तो वो भी जुड़ रहे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि इस फेस्टिवल पे वो अपनी धर्म पत्नी के साथ में क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे। हंगामा टाइम इस बार दिवाली पर अपना आयोजन लेके आया है, धमाल मचा रहा है, इसी कड़ी में जुड़ते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आज छाया जी के साथ में हम लोग इस घर में दीपावली पर उनके साथ मिलके आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि दीपावली मनाइए, अपने हर्ष उल्लास के साथ मनाइए, और हमारा प्रयास रहेगा कि जिन चेहरों पे दीपावली पर मुस्कान नहीं है तो अपनी एक कोशिश से उनके चेहरे पर स्माइल ला पाएं, ये हमारा प्रयास रहेगा। सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। तो ये थी हमारे साथ में विशेष कड़ी, यानी जो विशेष कड़ी हम लोग हंगामा टाइम से खास शख्सियतों से खास बातचीत कर रहे हैं इस दीपावली पे। तो हमारे साथ में छाया सक्सेना जी का पूरा परिवार था जिन्होंने हैप्पी दीपावली के साथ साथ में दीपावली किस तरीके सेलिब्रेट कर रहे हैं वो ही बताया। तो ऐसे ही हंगामा टाइम न्यूज चैनल हर फेस्टिवल पे कुछ करता है खास, और इस दीपावली पे कुछ कर रहा है धमाल, लखनऊ के खास शख्सियतों से खास बातचीत कर रहा है, क्योंकि अपनों के संग तो सभी दीपावली मनाते हैं, लेकिन अपनों से जो दूर है उनके संग लोग दीपावली किस तरह
से सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी तैयारी को दिखाने के लिए हंगामा टाइम्स ये तैयारी कर रहा है। ऐसे ही आप बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ में। लखनऊ की खास शख्सियत इस दीपावली पे क्या विशेष कर रही हैं वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ में और आप सभी को हैप्पी दीपावली।